So good morning friends, welcome to PT classes. Today a very important session for all those who want to make their career as front office jobs. दोस्तों ये एक office girl interview है जहां पर हम बहुत से नए questions लेंगे हमारे students के. Already हमने आपको बहुत से videos जैसे secretary interview, front office interviews, हमने आपको sales girls interviews दे रखे हैं. होप आपको हमारे दोनों चैनल्स PD classes और interview guide आपके लिए बहुत fruitful है और आप उनको use ले रहे हैं और खूब सीख रहे हैं. चलिए आज हम हमारे सेशन को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मुक्ता, ये एक मॉक सेशन है सिर्फ, तो मैं चाहूंगा आप हमें ये बताना कि एक ऑफिस हैंडलिंग में क्या क्या वर्क होता है. एक बीइंग एन आप ऑफिस गर्ल बनने जा रहे हैं, ऑफिस हैंडल करेंगे, ऑफिस अटेंडेंट बनेंगे, तो आपका क्या कार्य होता है, पूरा अपने कार्य के बारे में बताइए. श्योर सर, ऑफिस को अच्छे से हैंडल करें एंड उसमें जो कंप्यूटर्स वर्क है उसको किस अकॉर्डिंग हमें हैंडल करना है, उसमें जो फाइल्स होती है उसको हमें कैसे मैनेज करना है एंड जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनको भी हैंडल करना, और जो हमारे पास मेल्स आते हैं सर उनको हैंड टू हैंड रिप्लाई देना एंड हमारे सीनियर्स को भी जो हमारी अधिक से अधिक जानकारी देना एंड अच्छी कमांड हो कंप्यूटर में, टाइपिंग अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश व हिंदी दोनों में आनी चाहिए एंड फाइल्स को सेव रखना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना. इट्स ये कुछ कार्य होते हैं. तो क्या आपको टाइपिंग वगैरह आती है? यस सर. कौन कौन सी लैंग्वेज में आप टाइप सर? मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आती है. ओके, आपकी स्पीड कितनी है टाइपिंग? सर 40 to 50. ओके, अच्छा आपने एक वर्ड यूज किया था क्लाइंट, तो क्या आप बता सकते हैं कि क्लाइंट और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है? यस सर. सर क्लाइंट वो होते हैं जब हम किसी को सर्विस देते हैं तो वो क्लाइंट होते हैं. ओके, एंड कस्टमर वो होते हैं सर जो हम किसी को प्रोडक्ट्स बेचते हैं. okay. तो वो मींस एक शॉपकीपर अगर प्रोडक्ट बेच रहा है कस्टमर्स को और yes, जो एडवोकेट है वो सर्विस दे रहा है क्लाइंट को. yes, चलिए मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कोई एक्सपीरियंस है क्या एज अ फ्रंट ऑफिस? यस सर. सर मुझे एक क्लिनिक का एक्सपीरियंस है, मैंने क्लिनिक्स में वर्क किया है बट मैं अब ऑफिस वर्क में आना चाहती हूँ. ओके, तो आपने एक डॉक्टर के अंडर में वर्क किया? यस सर. ओके, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप जानते हैं कि यहाँ पर तो आपको कुछ सेलिंग स्किल्स भी करनी होगी. हाँ जी. तो क्या आप तैयार हैं उस सेल्स के कार्य को करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग आएंगे तो आपको अपनी सेलिंग स्किल भी दिखानी होगी. यस सर. तो ठीक है, मेरे हाथ में एक पेन है, तो yes, क्या आप इसको सेल कर सकते हैं? यस सर. ठीक है, फिर बेच के दिखाइए. यस सर. हेलो सर. हेलो, आई एम मुक्ता एंड मैं सर मैनेजर हूँ. आपका लोगो कह रहा है कि आप पेरिकार्डियन कंपनी की मैनेजर है. यस सर. ओके सर, ये हमारा पेन हमारी कंपनी ने काफी अच्छा बनाया है. okay. तो सर इसकी जो रिफिल है वो काफी लॉन्ग टाइम तक चलती है एंड इसकी सर खुशबू भी काफी अच्छी है एंड ये इसका खुलने का स्टाइल भी काफी अच्छा है, तो मैं चाहूंगी कि सर आप भी इसे ले. वैसे तो सर ये 2000 का, बट आपके लिए 10-5% डिस्काउंट भी मिलेगा. यस सर, तो सर आप लगा के भी देखिए, काफी बेटर लगेगा. ओके, यानी कि मैं इसे शर्ट पे लगा के देखूं? यस सर. ओके ठीक है, चलिए आपने जितनी भी सेलिंग स्किल्स करी दैट्स वंडरफुल, आपने अपनी तरफ से इसको अच्छा बेचा. अब मैं आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ वो ये है कि आपने अभी तक यानी कि क्लिनिक पे काम किया तो जरूर आपके डॉक्टर साहब के पास वहाँ पर बहुत से पेशेंट्स आए होंगे, तो क्या कभी किसी पेशेंट से झगड़ा हुआ आपका? एक्चुअली सर मेरे डॉक्टर्स वगैरह से तो नहीं हुआ बट एक नर्स से हुआ था. बिकॉज सर पहले भी उन्हें बाहर निकालना चाहते थे बट मैंने उन्हें नहीं निकालने दिया, कि मैंने सोचा कि ये अच्छे हैं बट उन्होंने मेरे से झगड़ा किया. तो काफ़ी बाद में सर को भी पता लगा कि गलती उन नर्स की थी, बिकॉज मेरी नहीं थी, तो सर ने उन्हें जॉब से हटा दिया. अब आप मुझे ये बताइए कि आपका स्टाइल क्या है वर्किंग का, आप क्या मानती है कैसे कार्य करना चाहिए? सर मेरा जो आइडियाज़ है वो तो सर 1000 माइंड में आते ही रहते हैं, बट मेरा मानना है कि वर्क पूरा करना, क्योंकि मैं वर्क को ही कंप्लीट करती हूँ. ओके, यू मीन टू से आइडियाज़ वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन, तो आप इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा वर्क करते हैं? यस सर. वेरी गुड. अच्छा आपके हिसाब से एक ऑफिस गर्ल में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सर उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, ऑफिस को अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए, उसे ऑनेस्ट पंक्चुअल होना चाहिए एंड अपने टाइम पर आके उसे वर्क और ऑफिस को डिसिप्लिन और हैंडल करना चाहिए. ओके अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या है? यस सर, सर मेरी स्ट्रेंथ है मैं ऑनेस्ट हूँ, पंक्चुअल हूँ एंड हार्ड वर्कर हूँ. ओके एंड मेरी वीकनेस है सर मेरी इंग्लिश है, उसे मेरे को इम्प्रूव करना है. ओके यस सर. तो आपको लगता है कि आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए इन दिनों क्या कर रहे हैं? सर मैं पीडी क्लासेस में क्लासेस ले रही हूँ स्पोकन इंग्लिश की. ओके यस सर. तो मेरी
जो इंग्लिश की बहुत से लोग बुक्स मंगवाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की बुक्स हमारी गॉडफादर सर, हाँ गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और दूसरी हमारी जो बुक है स्पोकन की 70 बेस स्पोकन इंग्लिश, ठीक है आप दोनों बुक्स पढ़ रही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको, जैसे आपको मैंने बताया कि सेल्स का कार्य भी हो सकता है, यहाँ पर आपको बैठकर थोड़ा सा सेलिंग स्किल्स भी दिखानी होगी, तो बहुत बार आपको रिजेक्शन भी हैंडल करना होगा। Yes. तो आप रिजेक्शंस कैसे हैंडल करती हैं? सर काफ़ी कस्टमर्स होते हैं जो कि ना ही बोलते हैं सेल्स में, सो हमें उनकी ना को हाँ में चेंज करना है। Okay. उनको अच्छे से हैंडल करना है ताकि वो ना की जगह हाँ में हाँ। ओके मैं जानना चाहूँगा एक और क्वेश्चन आपसे कि आप ऑफिस गर्ल क्यों बनना चाहते हैं, क्या ऐसा कारण है आपको ये जॉब क्यों अच्छी लगती है? सर मुझे एक्सपीरियंस है काफ़ी, क्योंकि मुझे क्लिनिक में काफ़ी बेनिफिट, हाँ जी, तो मैं, मेरा मानना है कि सर मुझे ऑफिस वर्क भी काफ़ी अच्छा लगता है और मैं काफ़ी अच्छा कार्य करके एक ऑफिसर बनूं। ओके क्या आपकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो इस जॉब को मैच करती है? यस सर मेरे में, मैं ऑनेस्ट हूँ, पंक्चुअल हूँ, मैं हर एक। आपकी हॉबीज़ क्या है? सर मेरी हॉबीज़ है न्यू कल्चर्स के बारे में जानना, न्यू पर्सन से मिलना। ओके हाँ जी सर। ओके तो क्या आपकी हॉबीज़ आपकी जॉब को मैच करेगी? यस सर, क्योंकि मुझे नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, नए फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, ऑलरेडी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? श्योर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सर। सर मुझे रियली एक चांस चाहिए ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को शो कर सकूं, और सर मैं हार्डवर्क का गर्ल भी हूं और मैं इस वर्क पे, इस जॉब पे अच्छा वर्क करके एंड अपना अच्छा रिजल्ट पाऊं। ओके अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको कई बार ऐसा भी होगा कि एक्स्ट्रा आवर्स भी देने पड़ेंगे, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका टाइम 6 PM तक रहे और आपको कभी 8 PM भी हो जाएगा, तो क्या आप मैनेज कर लेंगे? यस सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए 20 hours बहुत ज़्यादा इजीली है, मैं हर वक्त को हैंडल कर सकती हूँ। okay. हाँ जी सर। अच्छा ये बताइए कि एक कई बार ऐसा होता है कि हम संडे को कैंपेन वगैरह करते हैं या कैंप्स लगाते हैं, तो हमें संडे को कई बार टूर पर जाना होता है। यस तो अगर हम आपको लेके जाएँ तो क्या आप जा पाएंगे? यस सर मैं जा पाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अच्छा ये बताइए मुझे कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं अभी इस समय क्लिनिक का बता रहे, आपको एक्सपीरियंस भी है, तो आप चेंज क्यों कर रहे हैं? सर मुझे, क्योंकि मुझे ऑफिस वर्क अब ज़्यादा बेटर लगने लग गया, ऐसी कोई बात नहीं थी, वहाँ के डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छे थे, मुझे क्लिनिक पे कुछ काफ़ी सीखने को मिला है। ओके बट मुझे सर ऑफिस वर्क करना है इसलिए मैंने ये जॉब छोड़ दिया। ओके आपको कितनी सैलरी चाहिए? सर मेरे लिए सैलरी मायने नहीं है, बिकॉज जो आप दोगे मेरे लिए वही मायने, मेरे लिए वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव हो। ओके मान लीजिए कि यदि आपका सिलेक्शन इस बार नहीं होता है, yes, तो आप क्या करेंगे? सर मेरा सिलेक्शन होगा आई एम श्योर, बिकॉज सर अगर नहीं भी होता है तो मैं सर ट्राई करूंगी और मेरी वीकनेस के बारे में मुझे पता लगेगा, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आऊंगी सर। ओके आप जानते हैं कि इस जॉब के अंदर आपको जिस तरीके से मैंने बताया सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए, तो उसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि सेल्स होता है एक तरफ और एक तरफ होता है मार्केटिंग। yes, तो आपके हिसाब से इम्पॉर्टेंट कौन सा है? इम्पॉर्टेंट मेरे लिए सर मार्केटिंग है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक चलता है, हमारे कस्टमर्स काफ़ी बनते हैं उसमें, और जो सेल्स होता है सर वो एक ही टाइम में होता है, वहीं फिनिशिंग हो जाता है। देखिए ऑफिस गर्ल के लिए हमें यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स चाहिए, मगर यहाँ पर इस समय हमारे पास बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ऑफिस जॉब के लिए आए हुए हैं, तो आपका क्या मानना है कि हम उन्हें ना लें और आपको लें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आपने बताया 2 languages में आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हाँ है, मगर कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास 3 languages की कमांड है, हाँ जी। तो क्या हमें उनको लेना चाहिए या आपको लेना चाहिए? सर मैं कंपेयर तो नहीं कर सकती उनके साथ, बिकॉज मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि आई एम हार्डवर्क अ गर्ल, मैंने अपनी मेहनत काफ़ी अच्छे तरीके से की है। okay. तो सर मेरा सिलेक्शन भी हो मैं चाहती हूँ, बिकॉज नहीं भी होता तो सर मैं ट्राई करूँगी। यस सर। अच्छा देखिए यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे जिस तरीके से मैंने भी आपको बताया कुछ कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं, तो आप एज ऑफिस गर्ल अकेले काम कर सकते हैं या आपको भी टीम की जरूरत है? सर ज़रूरत पड़ने पर मैं अकेले वर्क करूँगी एंड okay. मेरा मानना है कि टीम वर्क ज़्यादा बेस्ट रहता है, टीम वर्क में काम करना रिजल्ट उसका काफ़ी बेटर रहता है। ओके आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर मेरी फैमिली में हम 7 members हैं, माय फादर एंड माय मॉम एंड 4 sisters एंड 1 brother। ओके okay.
तो आपको लगता है कि जो भी आपकी फैमिली है वो इजीली आपको कॉपरेट करेगी इस जॉब के लिए, यस सर, आप रेडी हो? यस, कई बार ऐसा होगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको संडेज को भी वर्क करना हाँ होगा जी, और कुछ आपको एक्स्ट्रा आवर्स भी देने होंगे, हाँ तो आप जी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर, हाँ, बहुत बार लोग ऐसा होता है कि ज्वाइन तो कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो ऑफिस का डेकोरम है बहुत अच्छा है, जो स्टाइल है हमारा वो बहुत अच्छा है, हाँ जी, तो कई लोग हमारा अंदाज देख कर ज्वाइन तो कर लेते हैं मगर लॉन्ग टर्म नहीं चलते। तो आपका तो ऐसा कोई विचार नहीं कि ज्वाइन नो करने के सर, बाद आप चेंज करें क्योंकि हमें आपको बहुत ट्रेनिंग देनी होगी नो सर, और हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा बहुत ट्रेनिंग पर, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप 1 month के बाद चेंज कर लेंगे? नो सर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँ क्योंकि मेरे लिए जॉब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं चेंज नहीं करूँगी। आई एम नॉट रॉलिंग स्टोन सर। तो आपने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पर रॉलिंग स्टोन, तो हम अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि कोई भी इम्प्लॉयर जब आपको लेता है तो हमेशा उसके मन में एक डर रहता है हाँ जी, कि आप कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ सैलरी के लिए या कुछ चेंज जल्दी से चेंज कर जाएंगे, क्या आप यहाँ पर टेम्परेरी आ रहे हैं? तो आपका फ़र्ज है कुछ सेटिस्फाइड करना सामने वाले को कि सर आई डोंट वॉन्ट टू बी रॉलिंग स्टोन इन माई लाइफ। और जैसा कि आप जानते हैं सर, सेटिस्फेक्शन भी 2 तरीके के हैं, एक तो जॉब सेटिस्फेक्शन और दूसरा मोनिटरी सेटिस्फेक्शन। जब तक दोनों सेटिस्फेक्शन पैरेलल चल रहे हैं तो वाई शुड आई चेंज हाँ और जी, वाई शुड आई मेक अ मूव व्हेन आई एम ग्रोइंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट? बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया आपने, कीप इट अप, प्राउड ऑफ यू, रियली थैंक यू सर, थैंक यू टू यू ऑल्सो, थैंक यू स्टूडेंट।